नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से कर लेते हैं। विदेशी बाजार के संकेत आज यहां पर सुस्ती के संकेत दिखा रहे हैं। इनफैक्ट अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो कल भारी पिटाई होती हुई भी दिखी, ये जो है 11,425 के इर्द गिर्द घूम रहा है। वहीं अगर जापान के बाजार को देखें, करीब 100 अंकों की यहां पर बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार अपने आप को संभाल जरूर रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स आप देखिए, करीब 150 अंकों की बढ़त यहां पर भी देखेंगे। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ, एकाएक डाउ में 405 अंकों की गिरावट देखने को मिली। टेक शेयरों में भारी बकवाली रही, जिसका सीधा असर नैसडैक पर पड़ता हुआ दिखा। करीब 2% की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार बंद होता हुआ दिखा। लेकिन आखिरकार ये सब क्या हुआ विदेशी बाजार में, अमेरिकी बाजार में बीती रात क्या कुछ ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से इतनी गिरावट देखने को मिली, सब कुछ विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु गुड मॉर्निंग, विदेशी बाजार में क्या हुआ, एकाएक की गिरावट अमेरिकी बाजार में इतनी देखने को मिली? गुड मॉर्निंग मानसी, एक्चुअली एक और एक ही ट्रिगर था जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली, और वो नए स्टिमुलस बिल को लेकर है। अब इस स्टिमुलस बिल का हमें कई महीनों से इंतजार है अमेरिकी बाजारों में, पर ये आया नहीं। और कल बल्कि एक जो वाटर डाउन कह सकते हैं, या एक बेसिक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिकी सेनेट में ताकि वो पास हो जाए, वो भी फेल हो गया। तो इसलिए बाजार काफ़ी निराश हुए और हमने देखा कि एक रिएक्शन आते हुए दिखा। दिन के निचले स्तर पर डाउ बंद हुआ तकरीबन 400 अंक नीचे, वहीं नैसडैक 2% गिरा और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी शेयर्स में ही बिकवाली आई, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरे बाजार पर प्रेशर बनता हुआ आपको दिखा है। तो दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स में बिकवाली थी, नया स्टिमुलस प्लान फेल हो गया, इसलिए भी बाजार निराश है। और आगे जाकर कोई नया ट्रिगर अब सामने नहीं आ रहा है, इसकी वजह से बाजार अब डायरेक्शन ढूंढेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे थे वो अनुमान से थोड़ा ज़्यादा थे, 8,84,000 पर ये आए पिछले हफ्ते के बेरोजगारी के दावे, अनुमान 8.5 लाख का था, तो अनुमान से थोड़ा ज़्यादा रहे। आज अगस्त महीने की रिटेल महंगाई का डेटा आएगा, वहां पर नजर रखनी पड़ेगी, और क्योंकि नया स्टिमुलस बिल नहीं आ रहा है तो देखना पड़ेगा कि इसका क्या इंपैक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार में हल्की सी आपने गिरावट कल देखी, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। ब्रेग्जिट के मुद्दे पर अभी भी विवाद चल रहा है EU और UK के बीच में, तो वहां पर नजर रहेगी। इसके अलावा कल शाम ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी पॉलिसी आई, उन्होंने अपनी दरों या फिर एसेट खरीदारी में कोई भी बदलाव नहीं किया है, पर जो यूरो जोन की GDP का अनुमान है अब उसमें 8% का कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, पहले वो तकरीबन 9% का कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो थोड़ा अपवर्ड रिविजन करा है, पर इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। कच्चा तेल दायरे में ही रहा, थोड़ा दबाव वहाँ पर हमने देखा, अमेरिकी भंडार अनुमान से ज़्यादा बढ़े हैं, डॉलर फिसला है, इसलिए हमने सोने में भी थोड़ी तेज़ी देखी है। तो ज़्यादातर ठीक ठाक ही ग्लोबल क्यूज हैं, पर अमेरिकी बाजारों पर नज़र रखनी पड़ेगी। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही कल चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की लंबी बैठक चली, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे इस बैठक के? बिल्कुल, तो कल शाम को बैठक हुई है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच, तकरीबन 2 घंटों की ये बैठक हुई है, मॉस्को में हुई थी ये बैठक, और वहाँ से 5 बड़ी बातों पर सहमति निकल कर आई है। जो जॉइंट स्टेटमेंट आया या फिर दोनों देशों से जो स्टेटमेंट आया उसमें ये 5 बड़ी बातें मेंशन करी गई हैं। दोनों देश जो करंट मतभेद है उसको इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, तो जो डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस हैं उसको ज़्यादा एस्केलेट होने को रोकेंगे, इसकी कोशिश करेंगे, ये सबसे बड़ी बात आई है, मतभेद को विवाद नहीं बनने देंगे। इसके अलावा जो तनाव कम करने की प्रक्रिया है उसके लिए बातचीत जारी रहेगी, जैसे कि हम बता रहे हैं, एक तो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बात हुई है, ब्रिगेड स्तर पर बात हो रही है, ब्रिगेड कमांडर स्तर पर, अब कोर कमांडर स्तर पर भी आने वाले कुछ दिनों में बात होने वाली है, तो ये दूसरी बड़ी बात निकल कर आई। तीसरी बात ये थी कि दोनों देश जो मौजूदा समझौते हैं LAC पर, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके अलावा सीमा मामलों पर बनाई गई एक वर्किंग कमेटी है दोनों देशों के बीच, उसकी बैठक भी जारी रहेगी, और आगे जाकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर भी काम किया जाएगा। तो ये 5 बड़ी बातें आई हैं। इसके अलावा भारत ने भी कई मुद्दे चीन के सामने उठाए, उन्होंने कहा कि LAC पर जिस तरह के चीन के ट्रूप्स का बिल्डअप हुआ है, और काफ़ी सारे फिगर्स निकल कर आ रहे हैं कि कितने सारे ट्रूप्स हैं, कितने सारे वेपन सिस्टम्स वहाँ पर डिलीवर करे गए हैं, उस पर भारत ने जरूर सवाल उठाए हैं चीन के साथ। और ये भी कहा है कि
चीन अपनी इंटेंशंस क्लियरली नहीं बता रहा है। वो वैसे तो कह रहे हैं कि हमें पीस चाहिए, कुछ विवाद बढ़ना नहीं चाहिए, बट फिर क्यों इतना बड़ा ट्रूप बिल्डअप कर रहे हैं, इस पर भी भारत ने सवाल उठाए हैं। और ये भी कहा है कि भारत सीमा पर हर समझौते का पालन करेगा और वो चाहता है कि चीन भी यही करे। तो एक तरह से एक पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है और पांच बड़ी बातों पर सहमति दिख रही है, पर देखेंगे कि आगे जाकर चीन इन बातों का पालन करता है कि नहीं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे रहे। इनफैक्ट एफआईआईज ने कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी की है। एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 838 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से करीब 6409 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं और डीआईआईज कैश मार्केट में करीब 317 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज की खरीदारी, कैश मार्केट में डीआईआईज की बिकवाली के आंकड़े। लेकिन चलिए आप सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार, एशियाई बाजार में हांगकांग के बाजार अपने आप को संभाल रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर देखें अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट दिखी है, एफआईआईज की खरीदारी के आंकड़े हैं, कैसे समझें इन संकेतों को और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत मिले जुले हैं, जहां अमेरिकी बाजार तेजी से गिरे हैं, थोड़ा उम्मीद से ज्यादा लगी रहा था, लेकिन कल क्लोजिंग के वक्त थोड़ी कमजोरी हो सकती है, तो गिरे जरूर है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हल्का सा पॉजिटिव, और एशिया में भी रिएक्शन ज्यादा नहीं, तो हल्की कमजोरी वाले संकेत एक तरह से आप ग्लोबल मार्केट से मान सकते हैं। और वो भी जो कमजोरी हुई अमेरिका के अपने कारणों की वजह से भी, कि स्टिमुलस पैकेज पास नहीं हुआ है, तो वो थोड़ी सी चिंता की बात है, बेरोजगारी भी बढ़ी जैसा कि अभी बता रहे थे। तो ये दो चीजें तो उनके लिए उनकी तरफ से जो आई है वो अमेरिकी बाजारों को हल्का सा कमजोर कर रही, लेकिन मेरा ये समझना है कि अमेरिकी बाजार पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन हो गए भारी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स बड़ा एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं, गिरावट आती है तो वापस से खरीदारी भी बड़ी जोर से आती है और ऊपरी स्तर पर बिकवाली भी उतनी ही दमदार है, तो ये न्यूट्रल संकेत, एक से न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव हम मान सकते हैं। तो एग्जिट सेक्टर जो दिखा रहा है 25-30 पॉइंट वो रीजनेबल है इस वक्त। अब आइए हमारे संकेतों पर, तो कुछ खबरें कल देर शाम तक आ रही थी कि सीमा पर थोड़ा जमाव बढ़ रहा है ये, लेकिन अल्टीमेटली जो ऑफिशियल और पक्की खबर है उस पर फोकस करना चाहिए, वो अच्छी है। कल दोनों हमारे विदेश मंत्रियों के बीच में जो मुलाकात हुई उसके बाद 5 पॉइंट का जो ये ताजा कार्यक्रम आया है, ये थोड़ा राहत देने वाला है कि चलिए कम से कम सोच तो दोनों ही देशों की एक ही तरफ है कि टेंशन बढ़ाना नहीं है ऑफिशियली हाईएस्ट लेवल पर। अब ये अपनी जगह है और ग्राउंड लेवल की सिचुएशन अपनी जगह है कि सीमा पर क्या कुछ खबरें आती हैं, तो दोनों पर आपको नजर रखनी है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कल और आज में खबरें थोड़ी सी बेहतर है, ये थोड़ा सा ये स्टेटमेंट जो है ये रिलीफ देने वाला है। अब कुछ दिग्गज शेयर आपको अच्छी खरीदारी दिखाकर मजबूती का संकेत दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर गैप से नीचे खुले तो मैं चाहता हूँ जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले उतना बढ़िया, और तुरंत हम वहां पर खरीदारी का मौका देखने लें। 11,375 आज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, ऊपरी स्तरों पर 11,550 ये ऊपर की रेंज होगी। बैंक निफ्टी में 22,275 मजबूत सपोर्ट जोन है, इस पर फोकस करिए, और ऊपरी स्तरों पर 22,650 की थोड़ी सप्लाई जोन है, यहाँ पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इस रेंज पर आपको फोकस करना। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली पहली ट्रेडिंग रेंज अब आपके सामने है, 11,325 से 11,375 सपोर्ट जोन्स निफ्टी का काम करते हुए दिखेंगे, वहीं 11,500 से 11,550 ऊपरी रेंज होगी जिस पर आपको ध्यान रखना होगा, 22,075 से 22,225 सपोर्ट जोन्स बैंक निफ्टी के लिए आप मानकर चल सकते हैं, वहीं यहां पर आप देखिए 22,650 से 22,850 की ऊपरी रेंज है, और साथ ही आप इन ट्रेडिंग लेवल्स पर खास गौर कीजिए क्योंकि कल ही के कारोबारी सत्र में आपने देखा कि किस तरह से ट्रेडिंग लेवल्स और साथ ही जो भी रणनीति वक्त वक्त पर हम आपको सुझाते हैं वो कितना काम लगती है। जब बाजार में तेजी आनी थी उससे पहले जो रेंज आपको बताई गई थी वो कितनी सटीक साबित होती हुई दिखी, और जब फिर प्रॉफिट बुकिंग आने वाली थी उससे ठीक पहले जो रेंज आपको बताई गई थी वो भी काफी सटीक साबित होती हुई दिखी थी। आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि आज खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग मानसी, आज सबसे पहले आप देखिए इवेंट्स में दीपक फर्टिलाइजर पर नजर रखनी है। आज उसकी बोर्ड की बैठक है जहां पे राइट इश्यू पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो रूट मोबाइल आईपीओ है उसका कल दूसरा दिन था, आप देखिए जो आईपीओ है उसको अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के जो आईपीओ है वो करीब 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल हिस्सा 6.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और साथ ही जो क्यूआईबी हिस्सा है वो करीब 1.25 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। एनआईए का जो हिस्सा है वो करीब 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। आज आखिरी दिन है अप्लाई करने का, इस पर नजर रखनी होगी। और साथ ही जो नतीजे आते हुए दिखे उसमें एचयूएल के नतीजे थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो करीब 47% तक कम होते हुए दिखी। कामकाजी मुनाफा भी 55% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए 26% से घटकर 22% पे आते हुए दिखे और जो मुनाफा है वो करीब 73% तक घटता हुआ दिखा है। जय भारत मारुति के भी इस बार थोड़े से कमजोर नतीजे ही थे, जो अनुमान था उसके मुताबिक ही आप देखिए जो आय है करीब 84% तक कम होती हुई दिखी। इस बार ज्यादा बिक्री होती हुई नहीं दिखी थी लॉकडाउन के चलते और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वहां से घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी 10 करोड़ का कामकाजी घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है और कुल मिला के कंपनी को 8 करोड़ के मुनाफे के सामने इस बार 21 करोड़ का घाटा होता हुआ दिखा है। हिंदुस्तान कॉपर यहां पे भी रिजल्ट काफी कमजोर है, जो मुनाफा है वो करीब 40% तक इस बार बढ़ता हुआ दिखा है लेकिन इनकी जो आय है वो 42% तक बढ़ती हुई दिखी लेकिन मार्जिन इस बार हल्के से कम होते हुए दिखे हैं। 30% से घटकर करीब 20% तक आते हुए दिखे हैं। तो कुल मिला के मार्जिन थोड़े से कमजोर हैं लेकिन जो मुनाफा है वो इस बार थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है, साथ ही आय में इस बार 42% तक की बढ़त थी। इसके अलावा आईटीआई पर आप खास नजर रखनी होगी क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है। आईटीआई को रक्षा मंत्रालय से 7,000 करोड़ के ऑर्डर के लिए मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हुई दिखेगी और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर काम करती हुई दिखेगी, तो इस पर नजर रखें। साथ ही इन्फो एज पर नजर रखें जहां पे जोमैटो ने $16 करोड़ जुटा लिए हैं टाइगर ग्लोबल और कई निवेशकों से ये निवेश आता हुआ दिखा है। साथ ही अब जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो करीब $330 करोड़ पर होता हुआ दिखा है। साथ ही आप देखिए जोमैटो ने पहले भी करीब $25 करोड़ की रकम जुटाई थी, तो लगातार यहाँ पे फंड रेजिंग होती हुई दिखी और साथ ही मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि 2021 के पहली छमाही में आईपीओ लाने की भी योजना है जोमैटो की, तो इसके चलते आज इन्फो एज पर सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। साथ ही येस बैंक जहां पे कल एजीएम थी और वहां पे मैनेजमेंट का ये कहना था कि बैंक ने आरबीआई को बचे हुए 15,000 करोड़ रुपए का ये जो रकम थी उसका भुगतान कर दिया है। आरबीआई से एसएलएफ यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत बैंक ने करीब 50,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, अब ये पूरी रकम जो है वो समय से पहले ही बैंक ने भुगतान कर दिया है, तो इसी के चलते आज एसबीआई पर भी आप नजर रखें। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हर रोज की ही तरह ऑप्शन की दमदार रणनीति इन्होंने बताई है, चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो रणनीति। मारुति कल नहीं चल पाया था तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ आज, तो 7,300 की कॉल 170 रुपए पे ली जा सकती है, 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 250 रुपए का टारगेट रहेगा। अच्छा, दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो आज वो टाटा स्टील है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत रोटेशन चल रहा है स्टॉक के अंदर, सेक्टर्स के अंदर, तो 420 की जो स्ट्राइक प्राइस है टाटा स्टील सितंबर की वो खरीदी जा सकती है 10.70 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 8 रुपए और टारगेट रहेगा 14.50 रुपए। ओके, तो शर्मा जी की तरफ से 2 कॉल्स हैं हमारे पास। मारुति 7,300 की कॉल खरीदने की राय, यहां पर टारगेट 250 के मानकर चले, 130 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। टाटा स्टील 420 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल आपको खरीदनी है, यहां पर 14.50 रुपए के लक्ष्य को मानकर चले, स्टॉप लॉस 8 रुपए का आप लगाइएगा। आपको बता दें हम शाम 7:30 बजे हर रोज हमारा एक खास शो बाजार आज और कल लेकर आते हैं जहां पर ऑप्शंस की दमदार रणनीति और साथ ही बाजार का पूरा एक्शन, भरपूर एक्शन पावर पैक शो ये रहता है। तो कमाना है मुनाफा तो सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 6 ट्रेडिंग कॉल्स हैं जिसमें 1 बिकवाली की है, इसके अलावा सारी की सारी खरीदारी की कॉल्स आई हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से शुरुआत करते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा करीब कल के कारोबारी सत्र में 4% की बढ़त ये स्टॉक देख चुका है, बढ़त आज भी कायम रहने के अनुमान है। 214 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 194 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय एचडीएफसी लाइफ पर है, कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा, कल के सत्र में 3% तक की अपटिक के स्टॉक
स्टॉक दिखा चुका है। 620 के लक्ष्य को मानकर चले 590 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। खरीदारी की जा सकती है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय मारुति पर है और साथ ही जी एंटरटेनमेंट पर है। मारुति पर बिकवाली की राय दे रही है। 7300 का स्टॉप लॉस मानकर चले 6970 के टारगेट यहां पर आप देख पाएंगे। बिकवाली की रणनीति है, ध्यान रखिएगा। और जी एंटरटेनमेंट पर खरीदारी की राय 216 के स्टॉप लॉस के साथ 234 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। अंत में एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि वेदांता लिमिटेड में खरीदारी कर सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2% के अपटिक के साथ यहां पर ट्रेडिंग क्लोज होती हुई दिखी थी। 137 के टारगेट को आप ध्यान में रखें, 128 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और ल्यूपिन जहां पर कल 2% की तेजी के साथ ही कारोबार बंद हुआ था, टारगेट 980 के ध्यान में रखें, 948 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, kiranjadav.com के CEO आशीष केलकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के कारोबारी सत्र को आप कैसे देख रहे हैं और भारतीय बाजार के लिए ट्रेंड आप कैसा देख रहे हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, ओवरऑल मैं मानता हूँ कि आज थोड़ा वोलाटाइल सेशन रहने की संभावना है, तो इंडेक्स पर मेरा एक कंडीशनल कॉल मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसा कुछ देर पहले मैं अनिल जी को सुन रहा था तो उन्होंने भी सेम लेवल्स बताए हैं, तो मैं मानता हूं कि यहां पे बेहतरीन ब्रेकआउट मिलेगा अगर निफ्टी 11,450 के ऊपर निकलता है। और 11,450 के ऊपर निकलने के बाद थोड़ा एक 5-10 मिनट वहां पे रहना चाहिए और उसके बाद ये ऊपर निकलने की संभावना है। तो ये ब्रेकआउट जो होगा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तो ही एग्रेसिव ट्रेडर अगर कोई है तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह है। कंडीशनल कॉल है, मैं दोहराता हूँ, 11,450 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो 11,550 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है और उस वक्त पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का रहेगा, वो रहेगा 11,425 का। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक रेंज दिखाई दे रहा है, मेरा सपोर्ट लेवल जो है 22,250 का है और रेजिस्टेंस अगर मैं देखता हूँ तो 22,700 का है। जी बिल्कुल आशीष, लेकिन इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए आपके टॉपिक्स कौन सी होंगी? मैंने जी दो स्टॉक्स मेरे रेडर पर हैं और मैं खरीदारी करना चाहूंगा रैमको सीमेंट में। रैमको सीमेंट अगर खरीदारी करते हैं तो मेरा 7,696 का और मेरा लक्ष्य रहेगा 720 रुपए का। और दूसरा स्टॉक जिसमें खरीदारी करने की सलाह है वो है BPCL, 423 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 445 का लक्ष्य होगा। ओके आशीष, बेहतरीन शेयर्स आपने चुने हैं। सीमेंट स्पेस में तो कल हमने जान देखी ही थी और साथ ही BPCL भी कल काफी आउट परफॉर्मेंस कर रहा था, करीब 6% की बढ़त के साथ यहां पर भी क्लोजिंग देखने को मिली है। शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ SMC ग्लोबल की वंदना भारती अब जुड़ गई है। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। सोने चांदी की चाल, पिछले दिनों उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं और आप देखिए 358 रुपए की तेजी के साथ करीब 51,800 के लेवल यहां पर देखने मिले। हालांकि चांदी में बढ़त के साथ 68,800 के पार ट्रेड हो रहा है। आज का ट्रेडिंग सेशन बुलियन मार्केट के लिए आप कैसा देख रही हैं? जी मानसी, कल हम लोगों ने देखा था एक बाउंस कह लीजिए आते हुए, आज मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग हो सकती है और थोड़ा सा करेक्शन होगा और कल के अकॉर्डिंग काउंटर मूव आते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ मुझे एक्सपेक्टेड है कि बुलियन काउंटर में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ज्यादा नहीं। मुझे लग रहा है कि 400-500 पॉइंट प्राइसेस जो है वो क्रैश हो सकते हैं नीचे की तरफ। और सिल्वर में भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 600-700 तक का फॉल एक बार हम गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देख सकते हैं इस काउंटर में। और रिस्क मुझे लग रहा है जो रिस्कियर एसेट्स हैं जैसे आपको एनर्जी काउंटर है, इंडस्ट्रियल मेटल्स है, वहां पे एक बाइंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे बाउंस बैक आ सकती है, एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही वंदना एनर्जी पैक पर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। ब्रेंट क्रूड में एक सीमित दायरे में ट्रेड हम देख रहे हैं, क्या इसके पीछे इन्वेंट्री पाइलअप एक वजह है, इसके अलावा कोई वजह भी है जो कि यहाँ पर प्ले करती हुई देखने को मिल रही है? जी मानसी बिल्कुल, यहाँ पे इन्वेंट्री पाइलअप भी एक वजह है और इसके बाद कोविड का रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं इंडिया में और इंडिया बड़ा कंज्यूमर है। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि सितंबर मंथ में चाइना का जो क्रूड इंपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे थोड़ा सा कम होने की आशंका है। और एक चौथी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस इलेक्शन से पहले वहाँ से ज्यादा क्रूड पंप किया जा रहा है और इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि फर्क आ रहा है क्रूड प्राइसेस में और एक बेयरिश ट्रेड जो है वो देखने को मिल रहा है।
साथ में आरामको ने भी $1 का डिस्काउंट फर्दर अक्टूबर मंथ से देने की घोषणा की है। तो इन सब चीजों से एक बेयरिश प्रेशर जो है वो बनता नजर आ रहा है क्रूड में, और मुझे लग रहा है कि क्रूड में आज के दिन में भले हम थोड़ी सी रिकवरी आते हुए देखें क्योंकि प्राइसेस बहुत तेजी की तरफ मूव हुआ है, लेकिन ओवरऑल एक बेयरिश सेंटिमेंट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है एनर्जी का। बिल्कुल वंदना, बेस मेटल्स की चमक कल फीकी पड़ती दिखी थी, आज कोई कॉल आप देंगी जो इफेक्टिव हो सकती है? जी मानसी, आज मैं थोड़ा रिस्की कॉल दूंगी, मुझे लग रहा है कॉपर में बहुत फॉल आ गया है और यहाँ से एक लोअर लेवल बाइंग जो है वो बनती है वैल्यू बाइंग कॉपर में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 520 के करीब यहाँ पे बाई करना चाहिए, 526 का टारगेट रखना चाहिए, 517 का यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना चाहिए कॉपर में। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का, यानी कि FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले ICICI बैंक यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी करने की राय दी है, लक्ष्य दिया उन्होंने ₹500 का। उनका कहना है कि जो डिसबर्समेंट्स हैं वो वापस सामान्य स्तर पर लौट चुके हैं, NIMs पर दबाव है लेकिन केवल छोटी अवधि के लिए है, और उनका ये भी कहना है कि एसेट क्वालिटी आप देखें तो पहले से बेहतर नजर आ रही है। हीरो मोटो पर भी CLSA की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने खरीदारी की राय मेंटेन करी, बरकरार रखी है, 3,315 का टारगेट है, मांग और प्राइसिंग को लेकर मजबूत आउटलुक है, और पहले ग्रामीण में काफी अच्छी मांग थी, अब शहरी इलाकों में भी जो रिकवरी है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। डीमार्ट पर जेफरीज की रिपोर्ट आई, इनफैक्ट उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है, खरीदारी की राय के साथ ये कवरेज शुरू हुई है, ₹2600 का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है, उनका मानना है कि 25% से ज्यादा की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो सालाना मुनाफे में ग्रोथ है वो आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पे JP Morgan की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार है, ₹125 का टारगेट है, मैनेजमेंट ने FY21 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसके लिए 12-15% ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, और उनका ये कहना है कि मार्च 2022 तक शेयर का जो दाम है उसमें करीब 25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आज मॉर्गन स्टैनली की फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट आई, इसमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, तीन बड़े निजी बैंक और इन पर तीनों पर ही ओवरवेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने। ICICI बैंक का लक्ष्य है ₹525 का, एक्सिस बैंक की जहाँ तक बात है तो टारगेट प्राइस दिए गए हैं ₹600 के, और HDFC बैंक के जो टारगेट प्राइस है वो ₹1450 का, और उनका कहना है कि जो वैल्यूएशन है जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं वो जो 5 साल की औसत वैल्यूएशन है उससे 10-40% डिस्काउंट पे है। तो आज बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी है और ICICI बैंक पर CLSA ने भी अपनी राय पॉजिटिव साइड पे रखी है। बिल्कुल संदीप, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।